चमत्कार होता है, उनके चरणामृत में भी शक्ति है। गुरु के चरणामृत में इतनी ताकत बताई गई है शास्त्रों में कि चारों धाम में स्नान करने से जो फल मिलता है उससे कहीं ज्यादा फल गुरु का चरणामृत पान करने से मिल जाता है। सर्व तीर्थम अवगाहस्य संप्राप्नोति फलम नरः गुरु पादोदकम पित्तोशेषम शिरस धारयन्। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, गुरु के कमल रूपी चरणामृत को पान करने से जो फल प्राप्त होता है वो सब तीर्थों में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होता है, इसलिए महान गुरु का चरणामृत भी पान करना चाहिए, अपने सिर पर भी छिड़कना चाहिए। और गुरु कोई प्रसाद दे दे तो उसको श्रद्धा से खाना और थोड़ा प्रसाद अपने घर भी ले जाना। मुझे ऐसा वर दे दे, गुणगान करूं तेरा। वाह वाह, बोलो जोर से ताली बजा के। अरे साथ में बजाओ मिलजुल कर, अलग अलग चना जैसा भून रहे हो चटपट चटपट साथ में। मुझे सावर दे दे, गुणगान करूं तेरा। ओहो बहुत सुंदर, बिल्कुल सुंदर। जम गया, वाह वाह, बाजी मार गए, दमादम मस्त कलंदर, तुम्हारा है पहला नंबर। जय हो। मुझे सावर दे दे, गुणगान करूं तेरा। मुझे सावर दे दे, गुणगान करूं तेरा। इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा। इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा। मुझे ऐसा वर दे दे, गुणगान करूं तेरा। गुणगान करूं तेरा। भक्ति और शक्ति दो, भक्ति और शक्ति दो, अज्ञान को दूर करो, अज्ञान को दूर करो। अरदास करूं गुरुवर, अभिमान को चूर करो। अरदास करूं गुरुवर, अभिमान को चूर करो। नहीं द्वेष रहे मन में, नहीं द्वेष रहे मन में, रहे वास गुरु तेरा। जहो रहे वास गुरु तेरा। इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा। इस बालक के सिर पे रमेश कुशवाहा गुरु हाथ रहे तेरा। इस बालक के सिर पे
गुरु हाथ रहे तेरा, गुरु हाथ रहे तेरा। वाह वाह, बस विद्या वेद पढ़ी करी हंकारा, अंतकाल मुख फांके छारा। साहब कहते हैं जिसको अहंकार आ जाता है लास्ट में वो औरन के सिखलाओते आप ही खारी खात, दूसरों को गुलाब जामुन खिला रहे हैं लेकिन स्वयं नमक फांक रहे हैं। अहंकार सबसे दूर कर देता है। एक छोटे से बच्चे को तुम क्यों पसंद करते हो? अभी छोटा सा बच्चा खड़ा हो, जो आदमी निकलेगा कोई उसके गाल छू लेगा, कोई बाल छू लेगा, कोई हाथ छू लेगा, कोई उठाकर गोद में ले लेगा, कोई चूम लेगा, और वही बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो लोग कहते हैं तुम दूर रहो बस, क्योंकि अब अकड़ आ गई उसको। राजस्थान के किसी गांव में मैं गया था तो एक माँ बाप ने कहा ये जो मेरा बच्चा है पैर नहीं छूता है तो इसको कुछ समझा दो। तो मैंने कहा तुरंत समझा देता हूँ। तो मैंने उसको बुलाया और समझाया और माँ बाप के पैर छुआ दिया तो उस बच्चे को पसीना आ गया और बाहर निकलकर द्वार पर खड़ा हुआ। बाद को हमको मिला तो बोला कि गुरुदेव आज जिंदगी में सबसे ज्यादा कष्ट हुआ है, माँ बाप के पैर छूना पड़ा, मैं किसी के पैर नहीं छूता हूँ, किसी को झुकता नहीं हूँ। तो मैंने कहा जानवरों का गोबर उठाने के लिए तुम झुकते हो और जिस माँ बाप ने जन्म दिया उसके पैर छूने के लिए झुकने में अहंकार दिखाते हो। नीचे रखा हुआ सामान उठाने के लिए तुम झुक जाते हो, 10 रुपये का सामान उठाने के लिए झुकते हो, चप्पल जूते उठाना हो तो भी झुकना पड़ जाता है, और इस माँ बाप को झुकने में तुमको इतना दुख लग गया। बोला इस तरह समझाने वाला कोई मिल जाए तो दुख नहीं लगेगा फिर। मैंने कहा मैं मिल गया हूं ना, तू प्रश्न कर तर्क कर मैं जवाब दे दूंगा। झुक जाने में जो सुख मिलता है याद रखना वो सुख कहीं नहीं मिलता है। झुको और सबसे पहले माँ बाप को झुको, गुरु को झुको, संतों को झुको, अपने से बड़ों को झुको। जिसमें झुकने की कला आ गई वो अपनी सारी मनोकामना को पूरा कर सकता है और बहुत ऊंचाई पर चढ़ सकता है। धनुष जब झुकता है तभी अपने लक्ष्य को बेध देता है, याद रखना। जब तक धनुष झुकता नहीं है तब तक धनुष बाण को दूर तक नहीं पहुंचा पाता है, और जितना ज्यादा झुक जाता है उतना दूर पर बाण को फेंक देता है। इसलिए झुको और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, जिस मंजिल को पाना चाहते हो। कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। अभी सिंहस्थ कुंभ में विचार कुंभ था तो उसमें चुने चुने संतों का निमंत्रण था, मेरा भी नियुक्ता था उसमें। पीएम और सीएम, लंका के राष्ट्रपति, ये सब आए हुए थे। तो मैं जब पहुंचा तो मेरी स्टेज पर जितने संत थे सबको जाकर मैं मिला और प्रणाम किया और सबसे नाम पता पूछा। तो एक संत इतना खुश हुआ, बोला आपको हम महामंडलेश्वर बनाएंगे। हमने कहा क्यों? बोले झुक गए यूं। और वहां जितने संत आते थे कोई किसी को नमस्कार प्रणाम नहीं करता था, सब ठाट से बैठ जाते थे। जय बजरंगबली, लाओ गदा मारो लदा, झुको। याद रखना जिसको तुम झुकते हो उसकी शक्ति को भी प्राप्त कर लेते हो। और सूक्ष्म रूप से, गुप्त रूप से उसकी शुभकामना आपको मिल जाती है। हाथ
जोड़कर नमस्कार करना भी सीखो। नमन सौ बार हे गुरुवर। बहुत से भक्त लोग हमको मिलने आते, मैं भी उनको हाथ जोड़ता हूँ, वे मुझे हाथ जोड़ते, मैं उनको जोड़ता हूँ। तो भक्त लोग सोचते मैं बड़ा हूँ कि गुरुजी बड़े हैं, ये हमको हाथ जोड़ रहे हैं। न मैं बड़ा हूँ न तू बड़ा है, दोनों कल्याण के लिए एक राह में खड़ा है। न मैं बड़ा हूँ न तू बड़ा है, ये तो कल्याण का मार्ग है, यहाँ बहुत बड़ा बड़ा क्या है। विद्या वेद पढ़ करे हंकारा, अंतकाल मुख फाके छारा। दुखित सुखित होए कुटुम जमावे, मरण बार एक सर दुख पावे। कबीर साहब कहते हैं दुख और सुख भोग करके अपने कुटुम्ब का पालन तुम करते हो, लेकिन जब तुम्हारी मृत्यु होती है तो जिंदगी भर के किए हुए कर्मों का फल जो तुमने किया है उनका फल तुमको ही भोगना पड़ता है। एकः पापानि कुरते फलम भोगते महाजनः, भोक्तारो विप्रम उच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते। ध्यान एकाग्र करना, बहुत मार्मिक श्लोक है। जिस तरह के कर्म करोगे उस कर्म का फल आपको मिलेगा। कर्म की कमाई को तो बहुत लोग बांट लेंगे, लेकिन कर्म का जो फल आने वाला है उसमें कोई बंटवारा नहीं करेगा। इसलिए संभल संभल करके कर्म करो। और परिवार का पालन करने वाले लोग बड़ा कष्ट उठा करके परिवार का पालन पोषण करते हैं, इसलिए परिवार के अगुआ को ठोकर मत मारना, ठेस मत पहुंचाना, और कभी कभी उसकी प्रशंसा भी करना और कहना कि धन्य हो तुम जो अपने कंधों पर इतना भार लेकर इतने बड़े परिवार का पेट भरते हो, आपको बारंबार धन्यवाद है, ऐसा भी बोलना। कितने घरों में लोग घर का जो जिम्मेदार है उसी के ऊपर पूरा नाराज रहते हैं, जिधर से देखो उधर से नाराजी सब उसके ऊपर आ रही है। घर का संचालन करने वाले व्यक्ति को कम से कम शब्दों से शीतलता प्रदान करो, उनको पीड़ा मत पहुंचाओ, और अच्छी तरह से मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण कीजिए। आलस्य मत कीजिए, जमीन बेच बेच करके बर्फी मत खाइए। कितने लोग जमीन बेच कर बर्फी खाते हैं और थोड़े दिनों के बाद भीख मांगते हैं, बच्चों का भी भविष्य बिगाड़ देते हैं। जुआ मत खेलिए, ताश मत खेलिए, समय को बर्बाद मत कीजिए। दुखित सुखित होए कुटुम जिमावे, मरण बार एक सर दुख पावे। कहें कबीर यह कली है खोटी, और जो रहे करवा सो निकरे टोटी। करवा मटके को कहते हैं, मटके में जो तुमने भरा है अगर पानी भरा है तो जब उसे झुकाओगे तो टोटी से पानी ही निकलेगा, यदि दूध भरा है तो दूध निकलेगा, शरबत भरा है तो शरबत निकलेगा, अगर जहर घोल कर भर दिया है तो जहरीला पदार्थ ही निकलेगा। इसलिए याद रखना, जो रहे करवा से निकरे टोटी, कहीं कबीर यह कली है खोटी। ये दुर्बुद्धि बहुत खोटी है, जैसा कर्म कर दोगे वही कर्म के करवा से भाग्य बनकर निकल कर बाहर आ जाए। एक छोटी सी बात बताऊंगा आपको, कर्म अपना अपना है, और जिसका कर्म संभल गया उसका भाग्य संभल जाता है। कर्म की कलम से भाग्य की तस्वीर को बनाया जा सकता है। यदि तुम्हारा भाग्य सोया है तो कर्म की कसौटी से सोए हुए भाग्य को जगा सकते हो। अच्छे कर्म करना, सुंदर स्वभाव बनाना, परस्पर प्रेम से रहना, पूरा गम खा लेना,
अकारण प्रसन्न रहने का अभ्यास करना, बड़ों का आदर करना, घर की साफ सफाई रखना, आलस्य को बिल्कुल निकट मत आने देना, दान पुण्य भी करना, घर के छोटे छोटे सामान का भी सदुपयोग करना, सामान को बिगाड़ना मत, फिजूल खर्ची से बचना, धर्म की रक्षा करना, गौ माता की भी सेवा करना, जननी माता का सम्मान बढ़ाना, धरती माता और भारत माता के गौरव को ऊंचा करना। तुम इस धरती की संतान हो, ऋषि मुनियों के पुत्र हो, इस देश का गौरव ऊंचा करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। देश की महिमा को बढ़ाओ, जिस गांव में तुमने जन्म लिया है उस गांव का नाम भी रोशन कर देना, और इतनी योग्यता शक्ति आ जाए तो ग्रामवासियों को भी सहयोग करना, उनकी भी सेवा करना। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, सबके भीतर बैठे हुए पावन परमात्मा को शुभकामना करता हूँ, और आज आपके लिए महाप्रसादी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से आए हुए परम भक्त हर्षित पटेल की ओर से एक ट्रक सामान भर के लाया है, और वो भक्त यहाँ पर आया है और आज उसी का माल हमने सबने खाया है, खाएंगे। मैं उस बच्चे को बुलाना चाहूँगा, जरा खड़े होकर इधर नमस्कार करो। ये बालक है, देखो छोटा सलोना बालक, खड़े रहो, जल्दी बैठ जाते हैं, क्या आनंद है, ज़्यादा मत देखना नज़र लग जाएगी, बैठ जाओ तुम। बहुत विशाल भंडारा चल रहा है, इस अन्न क्षेत्र की सेवा पूरे सिंहस्थ कुंभ में चर्चा का विषय बनी हुई है, जहाँ किसी को रोका नहीं जाता है, सबको भरपेट खिलाया जाता है, नुक्ती भी खिलाई जाती है, कभी नाश्ते में जलेबी चलती है और शरबत भी वहाँ पिलाया जाता है जब ज़्यादा धूप लगती है, और 21 तारीख को अंतिम शाही स्नान है, उस दिन यहाँ पर मेला के श्रद्धालु बहुत लाखों आएंगे, तो सड़क किनारे जो गेट है, गेट के पास में सुबह से लेकर शाम तक नुक्ती का प्रसाद इस शिविर की ओर से क्षमादेव की कृपा से, कबीर की अनुकंपा से, गुरुमन देव की प्रेरणा से और आप सब की श्रद्धा से प्रसाद दिन भर बांटा जाएगा। भोजन में भी नुक्ती मिलेगी और वहां गेट पर भी मिलेगी, क्योंकि मैं यहां सेवा करने के लिए आया हूं और आपसे भी सेवा कराने के लिए आया हूं, खुद करूंगा भी और तुमसे भी कराऊंगा, हम तुम सब मिलकर सेवा करेंगे। और कहां ऐसा अवसर मिलता है कि इतनी दिव्य आत्माएं एक जगह इकट्ठी हों। आज पूछना चाहूंगा, इसमें मध्य प्रदेश के कितने श्रोता हैं, जरा हाथ ऊंचा करो, मध्य प्रदेश, वाह वाह, नीचे कर लो नहीं तो नजर लग जाएगी, संख्या ज्यादा है। राजस्थान के कितने श्रोता हैं, जरा हाथ ऊंचा कीजिए, बस हैं सौ, हैं सौ। गुजरात के कितने श्रोता हैं, हाथ खड़ा करो, चलो इनकी संख्या भी 60-70 है, संख्या तो ज़्यादा है, ये मेला घूमने निकल गए, 150 के करीब हैं। और बिहार झारखंड के कितने श्रोता, हाथ उठाओ, वाह। और पूछूं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के कितने श्रोता है, हाथ उठाओ, वेरी गुड। और पूछूं, बिल्कुल नहीं पूछूंगा, इतना बहुत है। अब घुटनों पे हाथ रखिए, पहली अंगुली अंगूठा जोड़िए,
तीन उंगलियां फैलाइए और सत्संग विसर्जन का मंत्र बोलिए, और जिस शब्द की व्याख्या आज हुई है उसको एक बार गा देता हूँ। रामन रमसी कौन दंड लागा, मरी जइबै का करिबे अभागा, कोई तीरथ कोई मुंडित केशा, पाखंड मंत्र भरम उपदेशा, विद्या वेद पढ़ कर हंकारा, अंत काल मुख भाकै छारा, दुखित सुखित होए कुटुम जमावे, मरण बार यकसर दुख पावे, कहै कबीर यह कलि है खोटी, जो रह कर वस निकलै टोटी, कहै कबीर कलि है खोटी, जो रह कर वस निकलै टोटी, कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिलहली गैल, पावन टिके पपील का तह खलकन ला दे बैर, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूंके अपना चले हमारे साथ, तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे कही गए संत कबीर, चिड़ी चोंच भर ले गई घटे न नदियों नीर, दान किए धन ना घटे कह गए साहिब कबीर, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवे, सुखी बसे संसार सबे दुखिया रहे न कोय, ऐसी मेरी भावना पूर्ण करो प्रभु सोय, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा, शांति शांति शांति। सभी श्रोता ध्यान मुद्रा में बैठ जाए, एक मिनट इष्ट देव का ध्यान करें, नयन बंद कर ले, सांस ऊपर खींचे, जितनी देर रोक सके रोकें, धीरे से निकालें, पांच बार खींचना है और पांच बार धीरे से निकालना है, एक मिनट पूरा हो जाएगा। दोनों हाथ स्पर्श करके मुखमंडल पर लगाकर आंखों के ऊपर उंगलियां स्पर्श करो,
अंजलि बांधकर तीन बार सिर झुकाकर तीन बार साहेब बंदगी बोलो, साहेब साहेब बंद साहेब, हाथ जोड़कर बोलो जय सिया राम, जय कबीर, जय महावीर, जय विशाल, जय क्षमादेव, जय गुरुमन देव, जय राम स्वरूप देव, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। फिर अंजलि बांधकर तीन बार सिर झुकाकर बोलो साहेब बंदगी साहेब। शांति से आपने बैठकर प्रवचन सुना, कोई हलचल नहीं किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और जिन्होंने तन से मन से धन से सिंहस्थ कुंभ के अन्न क्षेत्र को सफल करने के लिए सहयोग प्रदान किया, उनको भी व्यास गदी धन्यवाद देती है। और मेरी टोली के संतों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद, जिन्होंने दिन रात कठोर परिश्रम करके इस समागम को सफलता के कगार पर ला दिया। और संतों के नाम से बड़ी मीठी तालियां आई हैं, लोग संतों से खुश हैं हमारे। अब मैं कनु भाई मिस्त्री को, गुजरात बोर्ड के चेयरमैन, प्रदूषण बोर्ड के, उनको आमंत्रित करता हूं, सब एकाग्र होकर बैठे रहना, 5-7 मिनट वे बड़ी मधुर मधुर गुरु की कहानी सुनाएंगे, आप उसको भी सुन लेना। अभी महाप्रसादी तैयार होने में आधा घंटे की देरी है, बाहर बहुत धूप है, यहाँ फौहारे चल रहे हैं, आनंद ही आनंद है, बैठे रहना। और आरती तैयार हो चुकी है, आरती में जो सम्मिलित होता है उसके घर का दुख दूर हो जाता है। हमारे चीफ प्रोग्राम डायरेक्टर देवकर जी उनको लेकर आए, और एक बार ताली उनके लिए बजाओ। कबीर जयंती गुरु पूर्णिमा आने वाली है, पुस्तक की दुकान से सारा सामान थोक में खरीद लेना। कबीर जयंती और गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में अपने मिलने वालों को प्रसाद के रूप में ज्ञान का वितरण करना, ताकि उनका भी कल्याण हो जाए। एक छोटा सा स्टिकर बना लेना, अपने नाम का मोबाइल नंबर का लिख देना सौजन्य से, और उस पर चिपका देना, तो आपकी तरफ से वो भेंट हो जाएगी, और जिसको दोगे उसका कल्याण हो जाएगा। पूज्य गुरुवर असंगदेव जी, पूज्य गुरुवर क्या बताया मनवर, उपस्थित संतगण, भाइयों और बहनों, इस सत्संग के अंदर बहुत प्रसंग सुनते हैं, और प्रसंग के द्वारा जो संदेश मिलता है उसको ग्रहण करते हैं, और उसका आचरण करके अपने जीवन को संवारते हैं। महाभारत का एक प्रसंग है कि महाभारत का युद्ध पूरा होने को आया था, दुर्योधन को भीम की गदा लगी थी, छांग टूट गई थी, जमीन पर गिरा हुआ था, पाँव में से खून बह रहा था, खड़ा भी नहीं हो सकता था और खिसक रहा था, यानी उसकी मृत्यु उसके बहुत नज़दीक आ गई थी। उसके दूसरे भाई तो सब मर चुके थे, और भी काफ़ी सैनिक सगे संबंधी सब मर चुके थे। उस समय भगवान कृष्ण ने सोचा कि चलो ये समय है, इस समय हम दुर्योधन के पास जाए और उससे एक जो अति महत्व का प्रश्न है उससे पूछे। तो पांडवों को लेकर भगवान कृष्ण दुर्योधन के पास आते हैं,
और उसको पूछते हैं कि दुर्योधन हमारा एक प्रश्न है जिसका उत्तर तू दे सकता है। इतना बड़ा महाभारत हुआ, कितने लोगों को महाभारत न हो उसके लिए समझाने के लिए भी प्रयत्न किया, विदुर जी ने समझाया, अंत में व्यास जी खुद आए थे और उन्होंने भी धृतराष्ट्र को समझाया कि भी युद्ध को रोको, पर तूने किसी की बात नहीं मानी और ये युद्ध हो और अब तुम देख रहे हो कि सब मर चुके और तुम भी मरने की तैयारी में हो। तो हमारा सवाल है कि तुम्हारे पांडवों के गुरु तो एक ही थे, गुरु द्रोणाचार्य ने ही तुमको पढ़ाया था, तो एक ही गुरु के शिष्य होने पर ये जो पांडव चले जिस मार्ग पर, उस मार्ग को लोग धर्म मार्ग कहते हैं और उसी गुरु से शिक्षा लेकर तुम जिस मार्ग पर चले उसको लोग अधर्म कहते हैं। तो सवाल ये कि तुमको मालूम ही नहीं था कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, एक ही गुरु से पढ़ाई की, तो तुमको मालूम तो होना चाहिए, गुरु ने पढ़ाया तो जरूर होगा कि इसको धर्म कहते हैं इसको अधर्म कहते हैं। और तुमने जो जीवन भर किया, बचपन में पांडवों को मारने का प्रयत्न किया, फिर द्रौपदी वस्त्रहरण किया और तरह तरह से पांडवों को नष्ट करने का प्रयत्न किया, उनका अधिकार था फिर राज्य भी नहीं दिया, किसी से समझाने से भी तुम नहीं समझे, तो ये सब अधर्म ही अधर्म हुआ, तो ऐसा क्यों हुआ? तब जो दुर्योधन ने जवाब दिया वह हमें जानने जैसा है। दुर्योधन ने कहा कि जानामि धर्मम, पहला ही वाक्य ये बोला है, जानामि धर्मम, धर्म क्या है मैं जानता हूं, नच में प्रवृत्ति ही, परंतु उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है। फिर कहता है कि जानामि अधर्मम, अधर्म क्या यह भी मैं जानता हूं, पर नच में निवृत्ति ही, उसमें निवृत्त नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति हमारी नहीं है, हम लोग धर्म क्या है, सद्गुण क्या है, सुविचार क्या है, सद्वर्तन क्या है, गुरु की पूजा क्या है, भगवान की पूजा क्या है, परिवार में कैसे रहना चाहिए, नीति नियम क्या है, ये सत्संग सुनकर शास्त्र पढ़कर धर्म क्या है वो तो हम जानते हैं पर उसका आचरण नहीं कर पाते। तब दुर्योधन का जवाब आकर खड़ा हो जाता है कि जानामि धर्मम, धर्म तो जानता हूँ, पढ़ा हूँ, सब सुना है, सत्संग किया है, पर नच में प्रवृत्ति ही, उसमें अपनी प्रवृत्ति नहीं होती। और अधर्म क्या है, अनिति क्या है, कैसे किसी को नुकसान किया जाता है, कैसे अपने को नुकसान होता है, तो अधर्म क्या है, गलत क्या है, वो सब जानते हैं पर उसमें से निवृत्ति नहीं होती, उसको छोड़ नहीं सकते, यानी अच्छी चीज जानते हुए भी ग्रहण नहीं करते, बुरी चीज जानते हुए भी उसको छोड़ते नहीं है। तो हमारे में और दुर्योधन में कोई फर्क नहीं है, ऐसा मानकर चलना चाहिए। तो इस प्रसंग का एक बहुत बड़ा सार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री कनु भाई मिस्त्री, गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन, आप और हम सब लोगों के लिए अपने सुंदर दो शब्द रख रहे थे। इसके पहले आप और हम सब प्रखर तेजस्वी राष्ट्रीय संत परम पूज्य श्री गुरुदेव जी के पावन मुखारविंद से अमृत वाणी का लाभ ले रहे थे। आस्था चैनल से अभी इस वक्त पूरे भारत देश और पूरे दुनिया में लाइव सीधा प्रसारण के माध्यम से गुरुदेव जी की अमृतवाणी का लाभ ले रहे थे। सिंहस्थ महाकुंभ में आप सभी गुरुदेव जी की अमृतवाणी का लाभ ले रहे थे। गुरुदेव जी के सानिध्य में असंग देव अन्न क्षेत्र चल रहा है, जिसमें आज आस्था चैनल के माध्यम से गुरुदेव जी के अमृतवाणी का रसपान करके जयपुर से परम भक्त श्री सुवालाल जी 40,000 रुपये का सहयोग आज आस्था चैनल से गुरुदेव की अमृतवाणी का सुन करके अन्य क्षेत्र के लिए भेजे हैं। उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका यहाँ से आप लोग धन्यवाद कीजिएगा। छत्तीसगढ़ से श्री सेवाराम जी वर्मा
जो कि बलौदा बाजार सुहेला के निवासी हैं, उन्होंने आज के अन्य क्षेत्र के लिए 5,000 रुपये का सहयोग की घोषणा उन्होंने अभी फ़ोन करके की है। उनके लिए भी एक बार आप सभी ताली बजाएंगे। रटलाई से रामेश्वर गुप्ता जी, अशोक गुप्ता जी, आज के अन्य क्षेत्र के लिए 11,000 रुपये का सहयोग उन्होंने भेजे हैं, घोषणा की है। उनके लिए भी आप ताली बजाकर उनका भी सम्मान करेंगे। इसी तरह से और भी कई भक्तजनों ने आज अन्य क्षेत्र के लिए गुप्त दान में अपना सहयोग भेजे हैं। आस्था चैनल में टीवी स्क्रीन पर नीचे पट्टी पर चल रहे स्क्रोल में हमारे ट्रस्ट के अकाउंट नंबर के माध्यम से उन्होंने सहयोग दिया है। सहयोग के लिए समस्त भक्तजनों का आज के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इसी तरह से और भी जो भक्तजन सिंहस्थ महाकुंभ में असंघ देव अन्य क्षेत्र के लिए अपना सहयोग देना चाहेंगे, आप अपना सहयोग टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हमारे अकाउंट नंबर के माध्यम से आप भेज सकते हैं। ये असंघ देव अन्य क्षेत्र ऐसा अन्य क्षेत्र है, 22 अप्रैल से प्रारंभ हुआ है और प्रतिदिन 20,000 से अधिक लोग भोजन प्रसादी यहाँ ग्रहण कर रहे हैं। और ये ऐसा अन्य क्षेत्र है, यहाँ पर आप सबको मालूम है कि प्राकृतिक आपदाएं और समस्याएं भी आई थी, लोगों के पंडाल बंद हो गए थे, अन्य क्षेत्र अन्य जगहों के कैंपों में बंद हो गया था, लेकिन ये असंघ देव अन्य क्षेत्र एक ऐसा अन्य क्षेत्र है जो 22 अप्रैल से प्रारंभ हुआ है तो आज तक अविरल चलता रहा है। किसी भी दिन, किसी भी मिनट, किसी भी वक्त बंद नहीं हुआ है। असंघ देव अन्य क्षेत्र जहाँ पर आप सभी विराजे हुए हैं, राष्ट्रीय संत श्री असंघ देव जी की कृपा से ये अन्य क्षेत्र अभी तक चलता रहा है और आने वाले 21 मई तक का ये अन्य क्षेत्र अविरल चलता रहेगा, जिसमें भारत देश के और देश विदेश के समस्त श्रद्धालु भक्तजनों को हम सहयोग के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। जो आस्था चैनल के माध्यम से सीधे प्रसारण का लाभ ले रहे हैं, उन समस्त हमारे श्रद्धालु भक्तजनों से भी आग्रह करेंगे कि आप सभी असंघ देव अन्य क्षेत्र में अपना सहयोग दे करके पुण्य के सहभागी बनेंगे। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, अब आरती का आप सभी लोग पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे, तो आरती जला करके हमारे कार्यकर्तागण जल्दी से रेडी करें। आरती में आप और हम सब सहभागी होंगे और आप सबको बताना चाहेंगे जो आस्था चैनल के माध्यम से देख रहे समस्त श्रोता हैं, गुरुदेव जी के प्रवचन आप सभी प्रतिदिन रात्रि 9 बजे आस्था भजन चैनल के माध्यम से आप सभी जरूर देखेंगे। गुरुदेव जी के मधुर वाणी अमृतवाणी से आप सभी कल्याण करेंगे। गुरुदेव के अमृतवाणी श्रवण करके हजारों लोगों के जीवन में, करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ है और वे सब भक्त यहाँ सिंहस्थ महाकुंभ में पधारे हुए हैं और पधार करके अपने जीवन का कृतार्थ कर रहे हैं, अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। अब आप सभी गुरुदेव जी के श्रीचरण में आरती के लिए खड़े हो जाएं और भाव श्रद्धा के साथ आप सभी आरती का पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। केवल यजमान भक्तगण आगे आएंगे, बाकी कोई भी आगे नहीं आएंगे। समस्त भक्तगण वहीं अपनी जगह पर ही खड़े रहेंगे। कार्यकर्ता ध्यान दें, केवल यजमान भक्त ही आगे आएंगे, बाकी सभी भक्त अपनी अपनी जगह पर आरती का पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। और असंघ देव अन्य क्षेत्र में पुनः आप सबका स्वागत है और गुरुदेव की अमृतवाणी कल प्रातः 10 बजे से 1 बजे आप सभी जरूर लाभ लेंगे और कल पुनः सीधा प्रसारण आस्था चैनल पर 10 बजे से 1 बजे होगा। समस्त श्रोताओं को पुनः सत्संग के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। आस्था के समस्त श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो अपने घर बैठे गुरुदेव के दर्शन कर रहे थे, गुरुदेव के सुखद सत्संग का लाभ ले रहे थे, गुरुदेव के अमृतवाणी का लाभ लेकर के अपने जीवन को सफल बना रहे थे। उन समस्त श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी असंघ देव अन्य क्षेत्र में अधिक से अधिक सहयोग देंगे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी भाव श्रद्धा के साथ आरती में डुबकी लगाएं, आरती में निमज्जन करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।
संग देवा जय असंग जय असंग जय असंग देवा वाधी कितने विनीत बोल मधुर मेवा वाधी कितने विनीत बोल मधुर जय असंग जय असंग जय असंग देवा जय असंग जय असंग जय असंग देवा वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा कंचन समनवल गात श्वेत वस्त्रधारी कंचन समनवल गात श्वेत वस्त्रधारी काम जय क्रोध जय पूर्ण ब्रह्मचारी काम जय क्रोध जय पूर्ण ब्रह्मचारी भक्तों की भीड़ लगे संत करे सेवा भक्तों की भीड़ लगे असंग जय असंग जय असंग देवा वाणी इतनी विनीत बोल मधुर मेवा करते उपकार सदा भक्तों का भारी करते उपकार सदा भक्तों के भारी ज्ञान के निधान सकल पाप पुंज हारी ज्ञान के निधान सकल पाप पुंज हारी वंदनीय दर्शनीय पूजनीय देवा वंदनीय दर्शनीय पूजनीय देवा जय असंग जय असंग जय असंग देवा वाणी कितनी विनीत बोल मधुर में जय असंग जय असंग जय असंग देवा वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा कर दो अनाथ को तनाथ नाथ मेरे कर दो अनाथ को तनाथ नाथ मेरे ज्ञान का प्रकाश भरो मानस में मेरे ज्ञान का प्रकाश भरो मानस में देवों में देव तुम्हें मेरे महादेवा देवों में देव तुम मेरे महादेवा जय असंग जय असंग जय असंग देवा वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा जय असंग जय असंग जय असंग देवा वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा आरती विनीत करे काटो भ्रम भारी आरती विनीत करे काटो भ्रम भारी लोभ मोह दूर करो सत्य के पुजारी लोभ मोह दूर करो सत्य के पुजारी मन में बसे हो तुम्ही मेरे गुरुदेवा मन में बसे हो तुम्ही मेरे गुरुदेवा जय असंग जय असंग देवा वाणी कितनी विनीत बोल मधुर में जय असंग जय असंग जय असंग देवा वाणी कितनी विनीत बोल मधुर में जय असंग जय असंग देवा वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा जय असंग जय असंग देवा वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा जय असंग जय असंग देवा वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा बोले सद्गुरु देव की सदगुरुदेव की पूज्य गुरुदेव श्री असंग देव की पूज्य गुरुदेव श्री असंग देव की गुरुमन देव की
सदगुरु क्षमा देव की। अब सभी लोग आरती का पुण्य लाभ लेने के लिए अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं और तीन बार साहिब बंदगी बोल करके गुरुदेव जी को प्रणाम करें। सब लोग बैठ जाएं अपनी अपनी जगह पर आरती का पुण्य लाभ लेने के लिए तीन बार साहिब बंदगी करके गुरुदेव जी को प्रणाम करेंगे। थोड़ा थोड़ा पीछे बढ़ जाएं आप सभी। साहिब बंदगी साहिब बंदगी। अब आप सभी अपनी अपनी जगह पर विराजमान हो जाएं। अभी आप और हम सब आरती का पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे थे और गुरुदेव जी के अमृतवाणी सुमधुर सुखद सत्संग में आप सभी लाभ लेकर के अपने जीवन को धन्य बनाए हैं, कृतार्थ किए हैं। अब हमारे सभी भक्तगण गुरुदेव के श्री चरण में आरती का लाभ जो अभी लिए हैं, तो पहले समस्त हमारे यजमान भक्तगण मंच पर आएंगे। हमारे प्रमुख यजमान श्री देवकरण आंजना जी आए और गुरुदेव जी के पावन श्री चरण में श्रद्धा सुमन समर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। समस्त भक्तजनों को इस मंच पर आने का अवसर दिया जाएगा। नीचे सीढ़ी पर सबसे पहले हमारे कार्यकर्तागण खड़े हो जाएं और भक्तों का लाइन बना दें। हमारे पहले यजमान भक्त आएंगे दिलीप सिंह जी पटेल, वो भी हमारे यजमान हैं जलोदिया ज्ञान के, वो भी आ जाएं और गुरुदेव के श्री चरण में अपना श्रद्धा सुमन समर्पित करेंगे। जितने हमारे यजमान भक्तगण हैं जिनके पास यजमान कार्ड हैं, आप जल्दी जल्दी आकर के गुरुदेव के श्री चरण में श्रद्धा सुमन समर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। और असंग देव अन्य क्षेत्र के लिए आप सभी जरूर अधिक से अधिक सहयोग दे करके पुण्य के कार्य में सहभागी बनेंगे। कार्यकर्ता नीचे जल्दी सीढ़ी पर पहुँचें, भक्त लोग जल्दी जल्दी अपना अपना लाइन बना लें और लाइन से आकर के क्रम से आकर के गुरुदेव के श्री चरण में आप सभी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और असंग